जो एवरीवन, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरे बोधगया ट्रिप का सेकंड ब्लॉग है। आज हम लोग एकदम सुबह राजगीर के लिए निकले हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, बहुत सारे लोग फूल लेकर महाबोधि टेम्पल की ओर जा रहे हैं और ये सारे लोग श्रीलंकन है। बोधगया से राजगीर जाने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है, अगर रास्ते में कोई ट्रैफिक ना हो तो। सुबह को ट्रैफिक कम होता है, इसीलिए हम लोग एकदम सुबह 5:30 को निकल चुके हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और जितना हो सके जगह एक्सप्लोर कर पाए। ये कार हम लोगों ने पूरे दिन के लिए 4,500 रुपीज में रेंट पे लिया है। तो बातों बातों में हम लोग अपने पहले वाले डेस्टिनेशन में भी पहुँच चुके हैं गाइस। बाई तरफ जो गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसीली पर्वत जा सकते हो रूपवे से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग गिजरकूट पर्वत के एकदम टॉप पे जा रहे हैं पैदल। छोटे छोटे दुकान है रास्ते पे। ये देखिए दोस्तों, कितने सारे बंदर पेड़ों पे लटके हुए हैं। अगर आप लोग कभी भी यहाँ पे आते हो और साथ में कोई भी खाने की चीज लेकर आते हो तो बी केयरफुल गाइस, क्योंकि ये बंदर चीजें छीन के ले जाते हैं। हमारे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऑलमोस्ट हम लोग कल परसों से चौथारों से इतना गर्म कर रहा है, बहुत गर्म। हाँ, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है बोल रहे हैं। हाँ फेचियो नहीं है तो अभी सामने एकदम समान जगह है। अभी दूसरों को देख के एनर्जी आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं। ये तो बाहर के लोग अंदर जाता है, वहाँ से जाता है। हाँ, इधर से भी जाके उधर निकल सकते हैं, फिर आनंदा में भी निकल सकते हैं। यहाँ से हाँ, नीचे भी जा सकते, नीचे भी जा सकते, ऊपर भी जा सकते। ये क्या बोल रहे थे, महाकश्यप का गुहा। और उस साइड में है महामोक्लिंग का। हाँ, महामोगलम मंदिर का भी दिखा दीजिए ना। हाँ चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, मेरा यही धंधा है दीदी। तो दोस्तों, लगभग 1 घंटा करीब सीढ़ियों से पैदल चलते हुए फाइनली हम लोग अभी गिजरकूट पर्वत पहुंच चुके हैं। और यहां पहुंचते ही एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। ये जगह भगवान बुद्ध के समय काल का उनके सबसे पसंदीदा जगहों में से एक था। इस जगह पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले 6 साल और ज्ञान प्राप्ति के बाद 8 साल समय बिताया था। तो ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये सारे लोग वियतनामीस है, शायद उन लोगों का कुछ सेमिनार चल रहा है, एजुकेशनल सेमिनार, क्योंकि मैंने उन लोगों को कुछ लिखते हुए भी देखा है। तो यहाँ पे आधा घंटा ध्यान करके हम लोग नीचे चले गए क्योंकि लोग भी ज्यादा थे वहाँ पे। अभी हम लोग आए हैं सारिपुत्र बंते के गुफा में, जहाँ पे वो ध्यान किया करते थे। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके। यहाँ आके मुझे एकदम अजीब सी शांति महसूस हुई।
तो दोस्तों अभी हम लोग वापस नीचे की ओर जा रहे हैं जहाँ से हम लोग आए थे। तो वहाँ जाके सबसे पहले हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद दोबारा से हम लोग एक और जगह पे जाएंगे। तो जाते समय हम लोगों को इतना समय नहीं लगा, जल्दी ही पहुँच गए थे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए गाइस, अभी हम लोग इसीगिली पर्वत जा रहे हैं रूपवे से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टिकट कट कर रहे हैं, एक जन का 100 रुपये पड़ता है आने जाने का। तो टिकट भी काट लिया है हमने, तो यहाँ पे लाइन से हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आप लोग इसी के लिए पर्वत सिंगल रूप हुए या कैबिन रूप हुए दोनों से ही जा सकते हैं। आज हम लोग कैबिन रूप हुए से जाएंगे क्योंकि मुझे सिंगल रूप हुए इतना सेफ नहीं लगता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस, हम लोगों का कैबिन भी आ रहा है, इस कैबिन से हम लोग जाएंगे। कैबिन रूप हुए से एक ही समय में 8 जन जा सकते हैं। ये बहुत सेफ भी है क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है। सिंगल रूप वे में चारों तरफ से खुला रहता है, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लगता है उसमें। तो दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता ही रहता है रूपवे से आना जाना, क्योंकि दिन भर में यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। वैसे तो सीजन है नवंबर से लेकर अप्रैल तक, हम लोग ऑफ सीजन में गए थे, फिर भी उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो देखिए गाइस, हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं, यहाँ पहुँचने में 10 मिनट से भी कम समय लगता है। आज यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी दे रहा है गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो पंखे देख रहे हैं, भैया 2 का 50 में दे रहे थे तो हमने ले लिया। अभी हम लोग सीधा विश्व शांति स्तूप की ओर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है वर्ल्ड पीस पैगोडा, या फिर इसे आप विश्व शांति स्तूपा भी कह सकते हो। ये दुनिया का हाईएस्ट पीस पैगोडा भी है। इस विश्व शांति स्तूपा का निर्माण 1969 में गौतम बुद्ध के जयंती के मौके पर किया गया था। जापानीज मॉन्ग फूजी गुरुजी के प्रयास से इसका निर्माण कराया गया था। इसका डिज़ाइन वास्तुकार उपेंद्र महारथी ने तैयार किया था। तो अभी हम लोग वापस रूपवे से नीचे की ओर जा रहे हैं। तो नीचे आने के बाद मैंने यहाँ से 2 किताबें भी ले लिया है। सो गाइस, वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। हम लोग और कहाँ कहाँ गए ये आप लोगों को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।